कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास फ्री लिविंग, ठीक है? कास्ट बिलेरिया के सारे मेंबर्स आपके पास फ्री लिविंग है। उसके बाद आपके पास है कि ये आपके पास बिल्कुल तह जो होती है पानी की, बिल्कुल बॉटम वहां पे रहते हैं, ठीक है? इसके जो मेंबर्स हैं टर्बिलेरिया के, फ्रेश वाटर में और मरीन यानी समंदर के पानी में बिल्कुल बॉटम में ये आपके पास रहते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, वहीं पे ये क्रॉलिंग करते हैं, मतलब रेंगते हैं ये स्टोन्स पे, सैंड पे, वेजिटेशन पे, उसी ज़मीन में, क्यों जो तय होती है, जो बॉटम होता है वाटर का, वहाँ पे आपके पास स्टोन्स भी होते हैं, वहाँ पे सैंड भी होता है, वेजिटेशंस भी होती है, तो वहाँ पे ये रेंगते हैं। उसके बाद इनको ये टर्बिलेरिया नाम क्यों दिया गया है, इनको टर्बिलेरिया नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये टर्बुलेंस क्रिएट करती है इनकी सिलियां। जब इनकी सिलियां मूवमेंट करती है तो टर्बुलेंस क्रिएट होती है, इसलिए इसको फाइलम टर्बिलेरिया का नाम दिया गया है। अच्छा, ये जो आपके पास टर्बिलेरियंस होते हैं ये आपके पास प्रीडेटर्स होते हैं, ये शिकार करते हैं बाकी एनिमल्स का। इसके अलावा ये आपके पास जो है तो स्कैवेंजर्स भी हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीडिंग करते हैं। इसके बाद है कि इनकी हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये आपके पास ह्यूमिड ह्यूमिड इलाकों में यानी वो जगह जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर रहते हैं, ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक्स यानी गर्म इलाकों में रहते हैं आपके पास। इसके पास ट्रॉपिकल रीजन के नीचे बाकी रीजन है उसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, तो वहाँ पे जो गर्म इलाके और गर्म इलाकों से थोड़े से जो नीचे इलाके हैं वहाँ पर ये आपके पास रहते हैं, ह्यूमिड रीजन्स में, मतलब जहाँ नमी हो वहाँ रहते हैं। अब साइज क्या है इनका, ज़्यादातर जो टर्बिलेरियंस हैं आपके पास उनकी लेंथ आपके पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके अलावा जो आपके पास टेरेस्ट्रियल एंड ट्रॉपिकल वाले हैं उनकी लेंथ आपके पास 60 सेंटीमीटर होती है। अब इनके कलर्स कैसे होते हैं आपके पास जो टर्बिलेरिया के फ्लैट फॉर्म्स हैं, ये आपके पास ब्लैक के मुख्तलिफ शेड्स में होते हैं, ब्लैक के मुख्तलिफ शेड्स में होते हैं। उसके अलावा ये आपके पास ब्राउन कलर में होते हैं, उसके अलावा ये आपके पास ग्रे कलर में होते हैं, ग्रे कलर में होते हैं, और उसके अलावा ये आपके पास बाकी भी दूसरे ब्राइट कलर्स में होते हैं, बाकी ब्राइट कलर्स में भी आपके पास ये होते हैं। इसके अलावा और भी जितने ब्राइट कलर्स हैं उसमें ये मौजूद होते हैं आपके पास।
ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टेप वॉर्म्स के बारे में। तो जो हमारे पास टेप वॉर्म्स है वो क्लास स्टोडा से बिलोंग करते हैं। आपके पास क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करते हैं। इसमें आपके पास टोटल 3,500 स्पीशीज हैं और हैबिटेट इनका क्या है, अब ये रहते कहाँ हैं। ये आपके पास इंडो पैरासाइट्स हैं, मतलब वो वाले पैरासाइट्स जो होस्ट के अंदर रहते हैं, ये इंडो पैरासाइट्स हैं। और यूजुअली मतलब ज़्यादातर ये जितने भी वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं टेप वर्म, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। आपके पास वर्टिब्रेट होस्ट के डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं। अब इनका कलर क्या होता है आपके पास, ये आपके पास वाइट के मुख्तलिफ शेड्स में होता है उसके अलावा ये आपके पास येलो कलर में भी मौजूद होते हैं टैप वॉर्म्स एंड ग्रे कलर में भी मौजूद होते हैं। अब साइज क्या है इनका, टैप वॉर्म्स का जो साइज है ना, ये आपके पास 1 mm से लेके 2 मीटर तक है इनकी लेंथ। अब इनमें दो यूनिक एडाप्टेशंस हुए। एडाप्टेशन किसे कहते हैं, जब फिट होने के लिए किसी भी एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस कर लेता है, तो हम कहते हैं ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो गया है। तो क्योंकि आपके पास टेप वॉर्म्स पैरासाइट्स हैं, इंडो पैरासाइट्स हैं, तो इसके लिए इन लोगों ने अपनी बॉडी में कुछ एडाप्टेशंस किए, कुछ चेंजेस किए हैं। अब एडाप्टेशन आपके पास फिजियोलॉजिकल भी होती है, मतलब उनकी जितनी फिजियोलॉजी होती है, जितने फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं उसमें भी आपके पास चेंजेस हो सकती हैं। उसके अलावा एनाटॉमी में मतलब जितने इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी आपके पास चेंजेस हो सकती हैं। तो ये अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस करते हैं और दो यूनिक इन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशन की होती है। एक तो ये कि टैप वॉर्म में आपके पास कोई भी माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं है, इनमें माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक तो कंप्लीटली एब्सेंट है इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब जितने भी स्टेजेस इनकी लाइफ में आते हैं उन सब में इनके पास किसी भी लाइफ के स्टेज में माउथ या डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं आता। अक्सर ऐसे पैरासाइट होते हैं कि कुछ चीज़ों में नहीं होती, लेकिन लाइफ के किसी स्टेज पे, किस लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पे उनमें वो वाली चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जैसे कुछ लैग करते हैं सिलिया, फिर लाइफ साइकिल के किसी स्टेज में डेवलप हो जाती हैं, किसी और होस्ट में हो जाते हैं, लेकिन इनकी जितनी भी लाइफ साइकिल है फुल में इनमें माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद नहीं होंगे। अब ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, इनकी बॉडी का जितना सरफेस होता है ना उस पूरे के जरिए ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। इनकी बॉडी का जितना सरफेस होता है उससे ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, डेफिनेटली डिफ्यूजन के जरिए ही करते होंगे। फिर बॉडी वॉल के जरिए। इसके अलावा इनमें आपके पास प्रोग्लूटिड्स मौजूद है। प्रोग्लूटिड्स क्या है, आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेट मी ड्रॉ देम फॉर यू हियर। ये आपके पास यूनिट्स होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स,
फ्रोग्लूटिड्स बेसिकली क्या है, आपके पास रिपीटेड यूनिट्स हैं, ये आपके पास रिपीट होते हैं, ये एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, तो ये टैप फॉर्म में जितने सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे होते हैं ये प्रोग्लूटिड्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके पास ये जो टैप फॉर्म है ना, इसमें सीरीज होती हैं रिपीटिंग यूनिट्स की, एडल्ट टैप फॉर्म में उसे हम प्रोग्लूटिड्स कहते हैं। और एक प्रोग्लूटिड जो होता है, ये एक, सिर्फ एक यूनिट की बात हो रही, इस एक के अंदर मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट सेट मौजूद होते हैं, दूसरे में भी कंप्लीट सेट, तीसरे में भी कंप्लीट सेट, फोर्थ में भी कंप्लीट सेट, इस तरह जितने भी प्रोग्लूटिड्स होते हैं उनमें कंप्लीट सेट मौजूद होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का।